प्रत्यारोप का दौर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, सुपर 30 का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको 60 सेकंड में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर समझाएंगे। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर पड़ोसी देशों के साथ तनाव जारी है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में घुसपैठ पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदन को बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान भारत चीन सीमा पर किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई है। वहीं भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से 47 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को यह भी बताया कि सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है, वहीं खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई भी की जा रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में चीन के साथ सीमा विवाद पर बयान देते हुए कहा था कि चीन की तरफ से यथास्थिति बदलने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी ने उसके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां चीन शांति की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर भारत का रुख काफी आक्रामक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर चीन को भारत के साथ सीमा समझौते का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसकी इसी बौखलाहट का असर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दिखा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत कठोर रवैया अपना रहा है और दोनों देशों के बीच ये तनाव आने वाले ठंड के महीनों तक जारी रह सकता है। उसने कहा कि चीन की सेना को सर्दियों के मौसम तक गतिरोध के जारी रहने की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सुशांत सिंह की मौत का केस हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुशांत की बहन और जीजा को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया के अलावा जिन जिन लोगों से एनसीबी ने अब तक पूछताछ की, उन लोगों ने सुशांत की एक बहन और जीजा से जुड़ी बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी एनसीबी को दी है। साथ ही रिया ने सुशांत की एक बहन और उनके जीजा पर कई आरोप लगाए हैं। यह अहम जानकारी एनसीबी की जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली है। ऐसे में अब एनसीबी सुशांत की बहन और जीजा से भी पूछताछ करना चाहती है। वह एनसीबी पहले ही ड्रग्स मामले में कई लोगों पर शिकंजा कस चुकी है। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा समेत कई लोग एनसीबी की गिरफ्त में हैं। अब देखना यह है कि सुशांत की बहन और जीजा से एनसीबी की पूछताछ से इस केस में और कितने राज खुलने बाकी हैं। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने श्रुति मोदी से आज पूछताछ नहीं की। एनसीबी की एसआईटी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया। ड्रग एंगल के मामले में एसआईटी ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले में सबसे पहले जया शाह और श्रुति मोदी को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। और इस वक्त देख सकते हैं श्रुति मोदी यहाँ से निकल गई है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जो है एक सदस्य आया था, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया है। और अब बाकी लोगों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव निकला है उसे क्वारंटीन में भेजा जाएगा और उसके बाद दोबारा समन दे के अब जो तमाम बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं सुशांत के इसकी मौत के मामले में ड्रग एंगल में जो एसआईटी जांच कर रही है, उनको दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के खिलाफ शिकायत की है। सिरसा ने आरोप लगाया है कि ये फिल्म स्टार ड्रग्स पार्टी का आयोजन करते हैं। उनमें दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि अगर एक साल पहले मुंबई पुलिस ने ड्रग्स एंगल की जांच की होती तो हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत मौजूद होते। आपको बता दें कि सिरसा ने एक साल पहले बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल की जांच को लेकर मुंबई पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उस शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में कुछ तो गड़बड़ है और जिस तरह से मुंबई पुलिस मौन रही, इससे साफ संकेत है कि कुछ तो छिपाया जा रहा है।
सारे तथ्य भी दिए हैं, मैंने एविडेंस भी दिए हैं और मैंने उनसे मांग की है कि जो आपकी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है रिया केस की, उसके अंदर इस केस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन्होंने मुझे श्योर किया है कि टाइम लग सकता है लेकिन हम इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। देश भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार जा चुका है। कोरोना से अब तक 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 90,123 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 82,961 लोग ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 78.52% तक पहुंच गया है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट 8.06% तक पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि रिकवरी रेट का 1/4 भाग महाराष्ट्र में है। साथ ही रिकवरी रेट को एक्टिव केस का 4 गुना पाया गया है। ये आंकड़े वाकई राहत देने वाले हैं। वहीं कोरोना को हराने की लड़ाई में भारत सबसे आगे है। मोदी सरकार ने आज संसद में 3 विधेयकों को पारित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। जेपी नड्डा ने किसान प्रोडक्ट बिल को किसान की सेवा करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को 1,00,000 करोड़ का पैकेज भी दिया। किसानों के उत्पाद का प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है। किसानों पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति समर्पित हैं। जो भी समझौता होगा वो उत्पाद पर होगा, किसानों की जमीन पर नहीं। साथ ही इस विधेयक से किसान की हालत में मूलभूत बदलाव भी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में सेवा सप्ताह मना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 पेड़ लगाए। सभी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। लोगों को उपहार स्वरूप पौधा वितरण करेंगे। जयपुर में बीजेपी ने दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे। वाराणसी में बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया। यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के मौके पर जरूरतमंद लोगों को 100 चश्मे बांटे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के विरोध में किसान आज गाजियाबाद पहुंचे। ये किसान मेरठ के सैदपुर गांव से पैदल चलते हुए गाजियाबाद गोविंदपुरी अनाज मंडी पहुंचे। दरअसल ये किसान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य से बेहद नाराज हैं और इसी के विरोध में किसान कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट बुक करने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म सीट देने का प्लान बना लिया है। ट्रेन में कंफर्म सीट देने के लिए रेल मंत्रालय 40 क्लोन ट्रेनें चलाएगा। 21 सितंबर से क्लोन ट्रेनों की शुरुआत होगी। पहले चरण में 20 पेयर ट्रेनें यानी 40 ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक पहले चरण में कुछ खास रूट पर ये क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी, जहां पर पैसेंजर ज्यादा हैं और यात्रियों को कंफर्म टिकट बहुत ही कम मिल पाता है। ऐसे रूट्स की पहचान पहले ही कर ली गई है। फिलहाल बिहार के सहरसा, राजगीर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर और कटिहार से नई दिल्ली, तो वहीं न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर, जयनगर से अमृतसर, वाराणसी से नई दिल्ली, बलिया दिल्ली, लखनऊ नई दिल्ली, सिकंदराबाद से दानापुर, बेंगलुरु से दानापुर, अहमदाबाद से दरभंगा जैसे व्यस्त रूट पर ये ट्रेनें चलेंगी।
अब आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए जहां एकमात्र रास्ते यानी इस पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था, तो लोग यूं अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं। बैलगाड़ी में लोगों का पूरा परिवार बैठा हुआ है, गाड़ियां भी इसी बैलगाड़ी में पानी को पार कर रही हैं, और आप पानी का स्तर देखिए। बस गाड़ी पलटी नहीं कि हाल क्या होगा यह हर किसी को पता है। इसके अलावा ट्रैक्टर की मदद भी ली जा रही है, ट्रैक्टर में भी जमकर बाइकें भरी जा रही हैं और इसके साथ साथ लोग भी यहां बैठ रहे हैं। लेकिन हालात कितने खराब हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और बाइक तो पूछिए मत। लेकिन प्रशासन को इन तस्वीरों से कहां कोई लेना देना है, नहीं तो ऐसे हालात क्यों होते। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.